उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ वैसे तो नवाबों के लिए जानी और मानी जाती है, लेकिन हालिये दौर को देखते हुए फैशन के दौर ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फैशन जगत की प्रतिभाओं के टैलेंट को सही दिशा और दिशा देने के लिए मिस और मिसेस वोग इंडिया 2018 का लखनऊ ऑडिशन संपन्न हुआ। कार्यक्रम के आयोजन मोहित अरोड़ा और ऑडिशन में भाग लेने आए प्रतिभाओं का क्या कुछ कहना था, देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता कर्मवीर त्रिपाठी के साथ अशोक सिंह की यह रिपोर्ट, SNI न्यूज लखनऊ। मेरा नाम मोहित फ्रॉम दिल्ली और 360 एडवर्टाइजिंग प्रोडक्शन का डायरेक्टर हूँ। मिस एंड मिसेस वोग इंडिया सीजन 2 है ये, ऑलरेडी इसका हम लोग फर्स्ट सीजन कर चुके हैं। मिस एंड मिसेस वोग ब्यूटी नॉर्थ जो हमारा नॉर्थ इंडिया का था, इस बार हम लोग पूरा इंडिया कवर कर रहे हैं। और सीरियसली लखनऊ में बहुत अच्छा टैलेंट है और बहुत अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट्स मिल रहे हैं। आपकी सिटी है और इसमें फीमेल्स आर वेरी मच बिकॉज ये द प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, लखनऊ में बहुत इवेंट्स होते रहते हैं। अब नाउ वी आर प्लानिंग टू मूव टू दिल्ली और वो ये हम लोग को प्लेटफॉर्म उन लोगों को दे रहा है, दे विल एंजॉय, दे विल शो देयर परफॉर्मेंस। मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म है, ये उन सारी महिलाओं को, चाहे वो हाउसवाइफ हों, चाहे वो वर्किंग हों और वो किसी भी एज की हों, उनको ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि कोई सपने अपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती है। आप जब भी चाहें आप अपना एक सपना देखें, आप उसको पूरा कर सकते हैं। और सीनियर लेडीज मत बोलिए, ये सारी मैम्स बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हैं और दे आर केपेबल ऑफ कम्पीटिंग एनी यंग गर्ल प्रेजेंट हेयर। और सबसे ज़्यादा इनका कॉन्फिडेंस मुझे पसंद आया कि एक एज के बावजूद इन्होंने अपने आप को बांधा नहीं। एंड टू बी ऑनेस्ट माई मदर इज़ हेयर विद मी, मेरी मम्मी खुद एक पार्टिसिपेंट है मेरे साथ, सो देर इज़ नो कॉम्पिटिशन फीलिंग विद मी। खुश हूँ कि आज मैं यहाँ पर हूँ मोहित सर के प्रोग्राम में, मिसेस इंडिया। और सबसे बड़ी बात है कि अब लखनऊ में जो फैशन शोज वगैरह शुरू हुई है, उससे हम लेडीज़ों को काफ़ी, जितने जो हाउसवाइफ वगैरह है, जिनकी जो बचपन की शौक थी, शादी के बाद भी उनको लग रहा था कि कर पाएंगे नहीं, ये शौक अब उनकी पूरी हो रही है। और मैं लखनऊ से हूँ, अभी रिसेंटली दमन में मिसेस इंडिया मैं विन करके आई हूँ 2018 का। और आज मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ और बहुत सारी लड़कियाँ आई हैं और स्पेशली ये उन दिस इज़ अ वुमेन एम्पावरमेंट पे बेस है ये। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, बदले सोच समय के साथ।